तो दोस्तों, वैसे तो एमसीयू की ज्यादातर मूवीज काफी फनी होती है, लेकिन इनमें से जो फिल्म सीरीज सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग है वो है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। मार्वल की इस इंटरगैलेक्टिक सुपर हीरो टीम ने अपनी एंट्री के साथ ही धमाल मचा दिया था, और इस मूवी का सेकंड पार्ट भी काफी बढ़िया है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एमसीयू की इस 15th फिल्म में स्टार लॉर्ड का अतीत उसके सामने आता है, और यहाँ गार्डियंस को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप इस मूवी को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। इस मूवी की स्टोरी पार्ट 1 के कुछ महीने बाद की है। पीटर क्विल यानी स्टार लॉर्ड और उसके साथी अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के नाम से मशहूर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने एक बार गैलेक्सी को बचाया था, इसलिए सबने उन्हें हीरोज मान लिया था। और इसी वजह से सोवेरन नाम की एक एलियन प्रजाति गार्डियंस से मदद मांगती है। सोवेरन के पास कुछ बहुत ही पावरफुल बैटरीज थी जो कि एक मॉन्स्टर ने चुरा ली थी, इसीलिए वो लोग गार्डियंस को वो बैटरीज वापस लाने के लिए बोलते हैं। फिर गार्डियंस उस मॉन्स्टर को मार के उससे वो बैटरीज ले लेते हैं, जिसके बदले में सोवेरन नेबुला को उनके हवाले कर देते हैं। नेबुला जो कि गमोरा की मुंह बोली बहन थी, वो कुछ टाइम से सोवेरन की कैद में थी, और क्योंकि नेबुला के सर पे बहुत बड़ा इनाम था, इसीलिए गार्डियंस ने उन बैटरीज के बदले में सोवेरन से नेबुला की मांग की थी। फिर गार्डियंस नेबुला को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इधर रॉकेट रकून ने उन बैटरीज को खुद के लिए चुरा लिया था। और जब ये बात सोवेरन को पता चलती है तो वो लोग गार्डियंस को मारने के लिए बहुत सारे ड्रोन्स भेजते हैं, जिसकी वजह से गार्डियंस का स्पेसशिप काफी डैमेज हो जाता है। पर तभी एक अनजान आदमी वहां आकर उनकी मदद करता है, और वो एक ही वार में सोवेरन के सारे ड्रोन्स को तबाह कर देता है। फिर गार्डियंस अपने खराब स्पेसशिप से पास के ही एक प्लेनेट पर लैंड करते हैं, और वहां पर उन्हें वो आदमी मिलता है जिसने उनकी मदद की थी। वो आदमी असल में पीटर क्विल का पिता था, ईगो। ईगो एक सेलेस्टियल था, यानी एक प्राचीन शक्तिशाली अंतरिक्ष जीव। ईगो का जन्म लाखों साल पहले हुआ था। शुरुआत में वो बस एक दिमाग के रूप में अस्तित्व में था, लेकिन फिर ईगो को अपनी ताकत का एहसास हुआ और उसने अपने दिमाग के आसपास एक सुरक्षा कवच बनाया। फिर उसने कई साल तक इस कवच को बढ़ाते बढ़ाते एक ग्रह जितना बड़ा कर दिया, जिससे ईगो एक जीता जागता ग्रह बन गया। लेकिन इस सबसे उसका दिल नहीं भरा, उसे जीने के लिए कोई मकसद चाहिए था, इसलिए उसने ब्रह्मांड में दूसरे जिंदा जीवों को ढूंढना अपना मकसद बना लिया। और इस काम के लिए ईगो ने अपनी शक्ति से एक इंसानी शरीर बनाया, जो कि उसके ग्रह और ताकत का ही विस्तार था, और फिर वो जीवन की तलाश करने निकल पड़ा। फिर कई सालों की खोज के बाद ईगो को दूसरे एलियंस मिल ही गए, लेकिन इससे भी उसे खुशी नहीं मिली। और तब ईगो ने अपने जीवन का एक नया मकसद बनाया। उसने ये तय किया कि अब वो पूरे ब्रह्मांड में अपना विस्तार करेगा और सभी प्लैनेट्स को अपने रूप में ढाल देगा। इस काम के लिए उसने ब्रह्मांड के लगभग सभी ग्रहों पर अपने बीज बो दिए, ताकि वो उन प्लैनेट को टेराफॉर्म करके अपने जैसा बना सके। लेकिन उन सीड्स को लगाने के बाद ईगो को ये महसूस हुआ कि उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो उन सीड्स को एक्टिवेट करके प्लैनेट्स को टेराफॉर्म कर सके। इस काम के लिए उसे अपने जैसे ही एक और सेलेस्टियल की जरूरत थी, पर क्योंकि ईगो दूसरे किसी सेलेस्टियल को जानता नहीं था, इसलिए उसने अपना बच्चा पैदा करने का सोचा, ताकि उसे अपने जैसा एक और सेलेस्टियल मिल सके। इसके बाद ईगो ने एक एक करके कई एलियन औरतों से रिश्ते बनाए और उनकी मदद से बच्चों को जन्म दिया। ईगो अक्सर किसी भी औरत से रिश्ता बनाने के बाद उसे छोड़कर चला जाता था, और बाद में उसके बच्चे को लाने के लिए एक आदमी को भेजता था, जिसका नाम था योंडू उडोंटा। योंडू एक लुटेरा एलियन था जो कि रेवेजर्स ग्रुप का मेंबर था। हालांकि रेवेजर्स लोगों का ये उसूल था कि वो किसी को किडनैप नहीं करते थे, लेकिन ईगो ने योंडू को इस काम के लिए बहुत पैसे दिए, इसीलिए वो ईगो का डिलीवरी मैन बन गया, जिसकी वजह से योंडू को रेवेजर्स के ग्रुप से निकाल दिया गया। पर उधर सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि ईगो के किसी भी बच्चे में उसका सेलेस्टियल डीएनए नहीं था। हर बार डिलीवरी होने पर जब ईगो ये देखता कि उसमें वो शक्तियां नहीं है, तो वो उसे खत्म कर देता और अपने प्लेनेट के नीचे दफन कर देता। इस तरह से ईगो ने कई बच्चे पैदा किए और बाद में उन्हें ठिकाने लगा दिया। लेकिन फिर 1980 में ईगो पृथ्वी ग्रह पर पहुंचा,
और वहाँ वो मेरेडिथ क्विल नाम की एक लड़की से मिला, जिससे उसे सच्चा प्यार हो गया। और इस प्यार की वजह से ईगो अपने असली मकसद से भटकने लग गया। लेकिन फिर उसने हिम्मत करके खुद को अपना मिशन याद दिलाया और उसने मेरेडिथ से दूर होने के लिए जानबूझकर उसके दिमाग में कैंसर का ट्यूमर डाल दिया। फिर जब मेरेडिथ प्रेग्नेंट हुई तो ईगो धरती छोड़कर वापस अपने ग्रह पर चला गया। इसके बाद मेरेडिथ के बेटे का जन्म हुआ, जो था पीटर क्विल। और पीटर इकलौता ऐसा बच्चा था जिसके अंदर ईगो का सेलेस्टियल डीएनए मौजूद था। फिर धीरे धीरे पीटर बड़ा होता गया और इसके साथ ही मेरेडिथ का कैंसर भी बढ़ता गया। फिर जब पीटर 8 साल का हुआ, तब एक दिन उसकी माँ अपनी बीमारी से मर गई, जिसके थोड़ी देर बाद ही योंडू पृथ्वी पर पहुँचा। वो पीटर क्विल को ईगो के लिए लेने आया था। योंडू ने क्विल को उठा तो लिया, लेकिन उसने उसे डिलीवर नहीं किया, क्योंकि वो समझ गया था कि ईगो के इरादे सही नहीं हैं। इसलिए उसने पीटर को अपने पास ही रख लिया और उसे अपने लुटेरे ग्रुप का हिस्सा बना लिया। फिर आगे जाकर क्विल स्टार लॉर्ड के नाम से मशहूर हो गया। और इस तरह से कई साल बीत गए। उधर ईगो ने कुछ समय तक उस बच्चे की तलाश की जो कि योंडू उसे डिलीवर नहीं कर पाया था, पर बाद में वो उसे भूल गया। लेकिन फिर 2014 में जब स्टार लॉर्ड और उसके दोस्तों का रोनन से सामना हुआ और क्विल ने पावर स्टोन को अपने हाथ में उठाया, तो ये खबर दूर दूर तक फैल गई कि पृथ्वी का एक आदमी एक इन्फिनिटी स्टोन को छूकर भी जिंदा बच गया। और जब ये बात ईगो को पता चली तो वो ये समझ गया कि इन्फिनिटी स्टोन को उठाने वाला वो इंसान उसका और मेरेडिथ क्विल का बेटा ही होगा, जिसे योंडू डिलीवर नहीं कर पाया था। इसलिए तब से ईगो ने पीटर क्विल की तलाश शुरू कर दी थी और उसने कुछ महीनों में उसे ढूंढ ही लिया। फिर गार्डियंस को सॉवरेन से बचाने के बाद ईगो उनसे मिलता है और उन्हें अपने साथ अपने प्लेनेट पर चलने बोलता है। लेकिन क्योंकि गार्डियंस का स्पेसशिप खराब हो गया था, इसीलिए रॉकेट और ग्रूट उसे ठीक करने के लिए वहीं रुकते हैं और वो नेबुला को भी वहीं कैद रखते हैं। और पीटर, गमोरा और ड्रैक्स ईगो के साथ उसके प्लेनेट पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात ईगो की असिस्टेंट मेंटिस से होती है। मेंटिस असल में ईगो की बेटी थी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। ईगो ने उसे इसीलिए जिंदा रखा था क्योंकि मेंटिस जिस प्रजाति की एलियन थी, उनके पास एक खास तरह की शक्ति होती थी, जिससे किसी की भी फीलिंग्स को महसूस किया जा सकता था और उसे बदला भी जा सकता था। मेंटिस अपनी इस शक्ति से ईगो को सुलाने का काम करती थी। फिर वो सब लोग उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, जहां ईगो पीटर, गमोरा और ड्रैक्स को अपनी कहानी सुनाता है, पर वो उन्हें अपना असली मकसद नहीं बताता। इसके बाद वो पीटर को उसकी सेलेस्टियल पावर्स का इस्तेमाल करना सिखाता है। दूसरी तरफ सॉवरेन की रानी आयशा योंडू से मिलती है और वो उसे गार्डियंस को पकड़ने का काम देती है। तब योंडू और उसके साथी गार्डियंस के स्पेसशिप को ट्रैक करते हुए उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, जहां रॉकेट वो खराब जहाज सुधार रहा था। वहां पर योंडू ये फैसला करता है कि वो गार्डियंस से सॉवरेन की बैटरीज छीन के उन्हें छोड़ देगा, क्योंकि योंडू पीटर क्विल को अपना बेटा मानता था और वो उसे और उसके साथियों को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। पर बाकी लुटेरों को ये बात पसंद नहीं आती, इसीलिए वो योंडू का विरोध करते हैं। इससे उनके ग्रुप में बगावत शुरू हो जाती है। इसीलिए योंडू अपने याका एरो से उन सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नेबुला वहां आकर योंडू के एरो कंट्रोलर को तबाह कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और तब सभी लुटेरे योंडू, रॉकेट और ग्रूट को बंदी बना लेते हैं और एक दूसरा एलियन उस ग्रुप का लीडर बन जाता है। इसी बीच नेबुला एक स्पेसशिप लेकर ईगो के प्लेनेट पर चली जाती है ताकि वो गमोरा को मार सके, क्योंकि वो गमोरा से जलती थी। उधर जेल के अंदर रॉकेट और योंडू दोस्त बन जाते हैं और वो वहां से बाहर निकलने के लिए ग्रूट से याका एरो का एक दूसरा कंट्रोलर मंगवाते हैं, लेकिन ग्रूट से वो काम नहीं हो पाता। तभी योंडू का एक दोस्त क्रेगलिन वहां आता है और वो उन दोनों को जेल से बाहर निकाल देता है। इसके बाद योंडू अपने नए कंट्रोलर से याका एरो का इस्तेमाल करके उन सब लोगों को मार डालता है जो कि उसके खिलाफ थे। इसी बीच योंडू ने रॉकेट को ये बता दिया था कि ईगो कौन है और उसके इरादे क्या है। इसीलिए वो सब पीटर, गमोरा और ड्रैक्स को बचाने के लिए और ईगो को रोकने के लिए उसके प्लेनेट की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ नेबुला वहां पहुंचकर गमोरा को मारने की कोशिश करती है। फिर उन दोनों में कुछ देर तक लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। तभी नेबुला और गमोरा को उस प्लेनेट की एक गुफा में बहुत सारे कंकाल नजर आते हैं, जो कि ईगो के बच्चों के अवशेष थे। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं
इसी दौरान मेंटिस ने ड्रैक्स को ईगो की असलियत बता दी थी, क्योंकि वो ईगो से सहमत नहीं थी। तभी नेबुला और गमोरा वहाँ आते हैं और मेंटिस उन्हें भी ईगो के असली मकसद के बारे में बता देती है। फिर वो सब ईगो को रोकने की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उधर ईगो ने पीटर को हिप्नोटाइज करके उसे अपने असली मकसद के बारे में बताना शुरू कर दिया था, जिससे पीटर उसके बहकावे में आने लगता है। लेकिन जब ईगो उसे ये बोलता है कि उसने जानबूझकर मेरेडिथ को बीमार किया था, तो ये बात सुनकर क्विल को होश आ जाता है और वो ईगो पर हमला कर देता है। पर इससे ईगो बहुत भड़क जाता है। पहले वो पीटर को राजी खुशी अपने मकसद में शामिल करना चाहता था, लेकिन अब वो जबरदस्ती उसकी शक्ति छीनना शुरू कर देता है, जिससे ईगो के वो सीड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उसका एक्सपांशन शुरू हो जाता है। लेकिन तभी रॉकेट, योंडो और बाकी सब लोग वहाँ आ जाते हैं और वो ईगो पे हमला करके पीटर को उसकी पकड़ से छुड़वा लेते हैं, जिससे वो एक्सपांशन रुक जाता है। फिर वो सब लोग एक स्पेसशिप से ईगो के प्लेनेट की गहराई में चले जाते हैं, ताकि वो उसके दिमाग को तबाह करके उसे मार सके। और वहाँ वो जैसे ही ईगो के दिमाग पर हमला करना शुरू करते हैं कि तभी सॉवरेन की फौज वहाँ पहुँच जाती है और वो गार्डियंस पर हमला कर देते हैं। उधर ईगो भी उन्हें रोकने के लिए अपने दिमाग के पास पहुँच जाता है, पर तभी मेंटिस ईगो की जड़ों को छूकर उसे कुछ देर के लिए सुला देती है। दूसरी तरफ योंडो और नेबुला मिलकर सॉवरेन के सभी जहाजों को तबाह कर देते हैं, और फिर रॉकेट सॉवरेन की उन बैटरी से एक टाइम बॉम्ब बनाता है और वो ग्रूट की मदद से उस बॉम्ब को ईगो के दिमाग के ऊपर लगा देता है। लेकिन उधर मेंटिस का ईगो पर से काबू छूट जाता है, जिससे वो होश में आ जाता है और सबको पकड़ लेता है। फिर वो पीटर की शक्ति से वापस अपना एक्सपांशन शुरू कर देता है, जिससे धीरे धीरे उन प्लैनेट्स के लोग मरने लगते हैं। ये सब देखकर स्टार लॉर्ड को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर ईगो की पकड़ से आजाद हो जाता है और फिर वो ईगो से लड़ना चालू करता है, ताकि उतनी देर में वो बॉम्ब फट जाए। इसी दौरान बाकी लोग उस प्लेनेट से निकलकर अपने स्पेसशिप पर पहुंच जाते हैं। फिर जैसे ही वो बॉम्ब फटता है, तो उससे ईगो मारा जाता है और उसका पूरा प्लेनेट तबाह होने लगता है। इसके साथ ही पीटर की भी वो सेलेस्टियल वाली शक्ति चली जाती है और अब वो उस प्लेनेट पर अकेला रह गया था। पर तभी योंडू वहां आकर पीटर को वहां से बाहर निकालता है और उसे बचाने के लिए वो अपनी जान गंवा देता है। इसके बाद योंडू का फ्यूनरल होता है, जिसमें पूरे रेवेजर ग्रुप के लोग शामिल होकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं। अब नेबुला और गमोरा ने भी अपनी दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे को माफ कर दिया था और वो दोनों ये समझ गई थी कि थेनोस ने उनका बचपन बिगाड़ा है। इसीलिए नेबुला थेनोस को ढूंढने और उसे मारने के लिए अकेली निकल जाती है। उधर मेंटिस अब गार्डियंस की टीम में शामिल हो गई थी और वो उनके साथ गैलेक्सी के सफर पर निकल पड़ती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें सॉवरेन की रानी आयशा नजर आती है। उसने अब गार्डियन से बदला लेने के लिए अपने प्लेनेट की टेक्नोलॉजी से एक स्पेशल बर्थ चेंबर बनाया था, जिसमें वो अपने शक्तिशाली बच्चे को जन्म दे रही थी, जिसका नाम है एडम वॉरलॉक। तो दोस्तों, ये थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। There's no time for me.